गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ संतों के बीच में हैं और मुख्यमंत्री साहब वहां से क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। माननीय प्रांत प्रचारक श्रीमान सुभाष जी, माननीय विभाग संचालक श्री ओम जालान जी, सह विभाग चालक श्री आत्मा जी, अध्यक्ष होलिकोत्सव समिति श्री अरुण मल जी, महामंत्री मनोज जालान जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित काशी की धरती से पधारे महामंडलेश्वर श्री सतवा बाबा जी, कालीबाड़ी के आपके चहेते बाबा रविंद्रदास जी, बाबा थके हुए हैं, रात्रि भर दीपावली मनाए हैं, और लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, अब मैं मान गया कि रवि किशन की लोकप्रियता कालीबाड़ी के बाबा से ज्यादा है। और होलिकोत्सव समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, वर्षों से लगभग एक सदी से गोरखपुर के जनमानस में होलिकोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का इंतजार होता है। पर्व और त्योहार कैसे होने चाहिए उसकी एक झांकी प्रस्तुत करता है भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। आपसी सद्भाव के साथ, बैर भाव भुलाकर, बड़े पवित्र भाव के साथ रंग और गुलाल डाल करके होलिकोत्सव समिति के अनुशासन का पालन करते हुए हम सब होली के इस पवित्र पर्व के साथ जुड़ते हैं। मुझे भी परसों भक्त प्रहलाद की होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में पांडे हाथा में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और सचमुच पर्व और त्योहार कैसे होने चाहिए ये शोभा यात्राएं उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। भाइयों बहनों, जो उत्साह है हमारे पास, जो उमंग है, जो सकारात्मकता है, उसको एक दूसरे के साथ बांट करके अगर हम सब मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं समाज में अभाव नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। और यही तो कार्य, जब एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की सोच की सरकार आती है, वही तो कार्य करती है। विगत दो वर्षों से हम सब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया प्रभावित थी। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाने में भय लगता था, और हर व्यक्ति एक संशय में रहता था कि पता नहीं कब एक कोरोना आ जाए। लेकिन आज कोरोना का भय दूर हुआ। भारत दुनिया के उन देशों में है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कोरोना प्रबंधन का।
महामारी के खिलाफ कैसे लड़ा जाना चाहिए, महामारी के दौरान अपने नागरिकों के प्रति कैसे संवेदना होनी चाहिए, कैसे एक एक व्यक्ति की देखभाल करनी चाहिए। दुनिया के सामने भारत ने उदाहरण प्रस्तुत किया और भारत इसलिए उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल हुआ क्योंकि भारत के पास प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेतृत्व था, इसलिए भारत दुनिया को देने में सफल हुआ। भाइयों बहनों, आज जब हम सब होली के इस पर्व के साथ जुड़े हुए हैं तब कोरोना पूरी तरह समाप्त है और हम उत्साह और उमंग के साथ बिना किसी संशय के उमंग और उत्साह के साथ एक नई समृद्धि की आस के साथ अपने इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। होली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। आप सब जानते होंगे होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या फिर शिवरात्रि या जन्माष्टमी हो या रामनवमी, कोई पर्व और त्योहार ऐसा नहीं जो एकांकीपन का एहसास कराता।